शिवपाल सिंह से आपने कहा तो उनका क्या प्रतिक्रिया मिली? फिर उसके बाद हमारी बात नहीं हुई जो है। अच्छा। फिर जो है हाँ, फिर हमारी कोई उनसे बात नहीं हुई और हमें उनसे इसलिए कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है कि जब उन्हीं की नहीं चल रही है तो हम उनसे क्या शिकायत करें। जी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा किया है, उन्होंने बहुत खराब लगाएगा। हमें शिवपाल यादव की पार्टी में ही नहीं चल रही है तो हम क्या ही करें। ये शब्द है शिवपाल यादव के खास इदरीस अंसारी के। इदरीस की माने तो निकाय चुनाव में शिवपाल यादव अपने इलाके इटावा में लोगों को टिकट नहीं दिला पा रहे हैं। इदरीस की बहू गुलनाज बानो को इटावा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए सपा का टिकट दिया गया था। इदरीस और गुलनाज दोनों धुआंधार दबाकर प्रचार कर रहे थे। नामांकन से पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि पर फूल भी चढ़ा आए थे, लेकिन ऐसा खेल हुआ कि नामांकन वाले दिन ही गुलनाज का टिकट कट गया, टिकट ज्योति गुप्ता को मिल गया। तमतमाए इदरीस ने फट से गुलनाज बानो को बसपा से पर्चा भरा दिया और कहा इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सपा में मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है और तो और शिवपाल यादव की भी नहीं चल रही है। हम जो है बीएसपी से हम जो नामांकन करा के आए, सुबह तक आपकी चर्चा थी कि आप समाजवादी पूरी तरीके से 100% किसी तरह का कोई शक नहीं था और जो है चार सेट हमसे भरवाए गए थे और जो है सारा काम कंप्लीट था और जो समाजवादी पार्टी का जो है, और आज सुबह हमारे पास फोन आया कि जो है कि उसको जो है कुछ चेक कराना है, वकील साहब आ रहे हैं लखनऊ से और जो है उसको चेक करवाना है सही भरे कि नहीं भरे। तो किसका फ़ोन आया था? पार्टी के लोगों का आया था, पार्टी के लोगों का आया था फोन आया था। तो हम तो भाई विश्वास पे थे पूरे, हमने जाके जो है चारों सेट उनको सौंप दिए और हमने कहा चेक करा लो। फिर उसके बाद में जो है कि उसके बाद में जो है हमारे पास फोन आ रहे थे कि जो है आपका टिकट कट गया। हम जो है नहीं समझ रहे थे कि ये सब जो है अफवाहें चुनाव में उड़ती हैं, लेकिन हमें तब भी हमें पूरी उम्मीद थी। लेकिन जब जो है माननीय शिवपाल सिंह के बेटे अंकुर जी से हमारी बात हुई और अंकुर जी ने कहा कि हम बराबर प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने भी इस बात को माना कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए और इसमें जो समाज में हम जो क्या मुँह लेके जाएंगे। लेकिन उनको भी बहुत तकलीफ़ हुई और जो है मेरे समझ से मेरे पूरे समाज को तकलीफ है। तो टिकट काटने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि आज अंतिम तिथि थी, दोपहर तक आपका ही नाम चलता रहा। देखिए जब अंशुल, अंकुर, आयरन, राजपाल जी सारे लोग जब सब हमारे फेवर में हैं तो इनका तो कोई हाथ था नहीं, इनके ऊपर के जो लोग हैं उन्हीं का हाथ हो सकता है। शिवपाल सिंह से आपने कहा तो उनका क्या प्रतिक्रिया मिली? फिर उसके बाद हमारी बात नहीं हुई जो है। अच्छा। फिर जो है हाँ, फिर हमारी कोई उनसे बात नहीं हुई और हमें उनसे इसलिए कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है कि जब उन्हीं की नहीं चल रही है तो हम उनसे क्या शिकायत करें। एक और सपा में बगावत है तो दूसरी ओर सपा और बसपा दोनों के प्रत्याशियों का दावा है कि बाजी तो हम ही मारेंगे। देखिए भैया का एक ही मुद्दा था कि लोगों के बीच में रहना, जनता की सेवा करना, सुख दुख में शामिल होना। मेरा भी सेम मुद्दा है कि लोगों के बीच में रहना, उनसे मिलना जुलना, उठना बैठना, और मेरा सिर्फ एक ही काम है कि लोगों के विकास के लिए, शहर के लिए जो भैया ने किया पुनः हम भी वही करना चाहेंगे। ऐसी चर्चा थी कि उन्होंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़वाना है, ऐसी भी जी उन्होंने ऐसा बोला था। पर मेरी जो सासू माँ अभी थोड़े दिन पहले खबर हुई, उनकी एक अंतिम इच्छा थी, जब वो तबीयत खराब थी उन्होंने यही बोला था कि वो हम यही चाहते हैं कि तुम ये चुनाव लड़ो और जीतो, मेरा आशीर्वाद हमेशा है। तो हम उसको उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप नामांकन करने आ रही हैं समाजवादी पार्टी से और आप मुलायम सिंह की समाधि पर आशीर्वाद भी लेने गई, उसके बाद आपका टिकट काट दिया गया, आपको कैसा लग रहा है, आपको आप क्या स्थिति बन रही है आपके सामने? जी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा किया है, उन्होंने बहुत खराब लगाएगा हमें। तो आप बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे? आप जी बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या उम्मीद है इसको आप चुनाव में? जी हम जीतेंगे इंशाल्लाह, जनता हमारे साथ आएगी, समाजवादी पार्टी से नहीं तो बसपा से आएंगे, जनता हमारे साथ आएगी। फाइट किससे आपकी इस चुनाव में? हम अपनी पूरी कोशिश जीतने की करेंगे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के अपने इलाके इटावा में ही सपा के दो गुट हो गए हैं।
सवाल सीधे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पर उठ रहे हैं, क्या उनकी पार्टी में नहीं चल रही है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट यूपी तक। ज्योति जी, आपने नामांकन किया है, किस दल से किया है ये बताइए जरा। समाजवादी पार्टी। तो क्या इससे पहले आपने कोई विचार किया था कि नगर पालिका का चुनाव लड़ना? विचार तो था, मतलब कि महिला सीट है तो सोचा है कि चलो चुनाव लड़ते हैं, भैया ने बोला तो। तो क्या नगर पालिका में क्या लगता है कि इस बार ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप यहाँ मैदान में, चुनाव मैदान में? देखिए, भैया का एक ही मुद्दा था कि लोगों के बीच में रहना, जनता की सेवा करना, सुख दुख में शामिल होना। मेरा भी सेम मुद्दा है कि लोगों के बीच में रहना, उनसे मिलना जुलना, उठना बैठना। और मेरा सिर्फ एक ही काम है कि लोगों के विकास के लिए, शहर के लिए जो भैया ने किया पुनः हम भी वही करना चाहेंगे। ऐसी चर्चा थी कि उन्होंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़वाना है, ऐसी भी जी उन्होंने ऐसा बोला था। पर मेरी जो सासू माँ अभी थोड़े दिन पहले खबर हुई, उनकी एक अंतिम इच्छा थी, जब वो तबीयत खराब थी उन्होंने यही बोला था कि वो हम यही चाहते हैं कि तुम ये चुनाव लड़ो और जीतो, मेरा आशीर्वाद हमेशा है। तो हम उसको उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय भी लड़ते जी? बिल्कुल, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा तो हमें पूरी करनी ही थी।